इस वक्त देश के दो राज्यों के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा हरियाणा। और इन दोनों राज्यों पर बाकी देश की नजर इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला बड़ा चुनाव है जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद उछल रहे इंडी गठबंधन का भी टेस्ट होगा और बीजेपी का भी कि वो लोकसभा चुनाव के बाद कैसे कमबैक करती है। इसमें इंडी गठबंधन तो माहौल बनाने में बहुत आगे है क्योंकि जो लोग लोकसभा चुनाव में हार कर भी उसे अपनी जीत बताने में लगे हुए उनका लेवल ही अलग है, आप उससे कैसे कंपीट कीजिएगा। राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार है, भाई सब अपना माहौल बनाने में जुटे हुए हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव वही जीत रहे हैं। लेकिन ये सारा माहौल फीका पड़ जाता है जब एंट्री होती है इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने इस देश में 63 साल बाद ये रिकॉर्ड बनाया कि कोई नेता लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बना। बहुत सी कोई मामूली बात नहीं है, 63 साल बाद ऐसा हुआ है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतर जाएं तो समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो या अब्दुल्ला हो, नरेंद्र मोदी से जीतने में उन्हें पसीने छूट जाएंगे उनके। फिर चाहे इंडी गठबंधन कितना ही जोर लगा ले, विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी, केजरीवाल और दूसरे नेताओं के सामने अब नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और इसी से विधानसभा की चुनावी टक्कर ने नया मोड़ ले लिया है। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के मिशन में जुट गए, आज हरियाणा चुनाव में उनकी भी एंट्री हो गई। उधर राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर में रैली की, कल वो हरियाणा में रैली करने वाले हैं। प्रियंका वाड्रा भी हरियाणा के चुनाव में उतर आ गई। अरविंद केजरीवाल भी जेल से निकलने के बाद हरियाणा में पूरा जोर लगाए हुए हैं और कह रहे हैं कि नई सरकार उनके बिना तो नहीं बनेगी। यानी इस पूरे मामले में मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सब अब एंट्री कर चुके हैं हरियाणा चुनाव में। सबसे ज्यादा खलबली मची प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री से, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में एक रैली की और ऐसी ऐसी बातें बोली बॉस कि कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में माहौल बनाने में लगी है उसमें पीएम मोदी ने आते ही बड़ा डेंट मार दिया। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस तो इस तरह से अंदर ही अंदर झगड़ रही है, तुम लिख के ले लो कि हरियाणा में गलती से कांग्रेस की सरकार आ गई तो अपने झगड़े में हरियाणा को बर्बाद कर देगी। सुनिए एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा पीएम ने ये बात आखिर कही क्यों है, हरियाणा में चल क्या रहा है, कश्मीर में चल क्या रहा है। कांग्रेस शासित हर राज्य में उनके मुख्यमंत्री और मंत्री झगड़ों में उलझे हुए हैं, इसलिए हरियाणा को भी बहुत सावधान रहना है। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर के कहना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। भाई ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस जहां जहां सरकार में आती है वहां वहां अपने झगड़ों में उलझ जाती है और इन झगड़ों में ऐसा उलझती है कि फिर पब्लिक सोचती है कि भाई इनको वोट बेकार ही दे दिया, अब अगला चुनाव होता है तो कांग्रेस की सरकार चली जाती है। जैसे आप देखिए, राजस्थान में जनता ने कांग्रेस को राज दिया, लेकिन गहलोत और पायलट लड़ रहे थे और फिर जनता को समझ में आया कि सत्ता तो भाई इनके बीच ही ले, लड़ाई चलती रहेगी, हम क्या करेंगे, फिर दोनों को आउट कर दिया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन वहां भी झगड़ा चल रहा था और वहां भी जनता ने बाद में इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, वहां चल नहीं रहा था टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री के बीच में। कर्नाटक देख लीजिए, जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, वहां आज तक सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का टकराव चल रहा है। हिमाचल में जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था लेकिन वहां पर अंदरूनी झगड़ा इतना बढ़ गया कि जैसे तैसे सरकार चल रही है। अब हरियाणा में भी यही हो रहा है, जनता ने लोकसभा में सीटें दे दी अगर, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस में भयंकर गुटबाजी हो रही है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट है, कुमारी शैलजा का अलग गुट है, रणदीप सुरजेवाले का अलग गुट है, सब एक दूसरे को काट रहे हैं और यही बात नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं कि बस जब चुनाव के पहले इनकी नहीं बन रही तो ये चुनाव के बाद कैसे बनाएंगे आपस में भाई, और जब आपस में मिलकर रहेंगे ही नहीं तो पब्लिक का काम क्या करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी का हाल ये हो रखा है कि राहुल गांधी अब तक हरियाणा में प्रचार करने गए ही नहीं है, अब कल राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली होनी है।
राहुल गांधी प्रचार करने हरियाणा जा भी रहे हैं तो एक रैली शैलजा गुट के कैंडिडेट की करेंगे, एक रैली हुड्डा गुट के कैंडिडेट की करेंगे। हालत यह है कि इसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हरियाणा में दो दिन पहले अपनी रैलियां रद्द करनी पड़ गई। खड़गे की रैलियां कहा जा रहा है कि रद्द होने की वजह जो बताई जा रही है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन चर्चा यह चल रही है कि इसकी असल वजह यह थी कि हुड्डा और शैलजा के बीच का जो टकराव था उसमें इनको रैली रद्द करनी पड़ गई। ऐसी गुटबाजी को देखकर ही कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ माहौल बना रही है, अंदर ही अंदर तो ये एक दूसरे को काट रहे, छुरियां चल रही हैं। कांग्रेस की ऐसी हालत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा चुनाव में उतरना और कांग्रेस पर तीखे हमले करना ये कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को और हिला देगा। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को वो पुरानी बात याद दिला दी जिसकी वजह से हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को 10 साल से आउट कर रखा है। पीएम ने हरियाणा की रैली में डीलर और दामाद का जिक्र कर दिया जो कांग्रेस की परेशानी को और बढ़ा देगा। सुनिए डीलर और दामाद वाला हमला। याद कीजिए 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था, तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। हरियाणा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर 3 बड़े अटैक किए। पहले गुटबाजी पर कांग्रेस को घेरा, कहा कि ये सत्ता में आएंगे तो हरियाणा को बर्बाद कर देंगे। फिर दूसरा अटैक डीलर और दामाद वाला किया कि बॉस क्या हाल था, आपको याद ही है कैसे डीलर और दामाद हरियाणा चला रहे थे। डीलर का जिक्र उन्होंने हरियाणा में हुड्डा सरकार के लिए किया, तब हरियाणा सरकार पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगे थे। दामाद का जिक्र उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के लिए किया जिन पर जमीन सौदे में घोटाले के आरोप लगते रहे। पीएम मोदी ने तीसरा बड़ा अटैक राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर किया, कहा कि आरक्षण से नफरत कांग्रेस के डीएनए में है। कैसे राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण पर दिए बयान को लेकर पीएम मोदी ने हमला किया पहले सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि किसानों के मुद्दे पर कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस की पोल खोली। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। राहुल गांधी लगातार ये माहौल बना रहे हैं कि उन्होंने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस कम कर दिया। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने आज पीएम मोदी की हरियाणा में हुई रैली को देखना चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस कम हुआ है या नहीं। हरियाणा की रैली में पीएम मोदी जबरदस्त फॉर्म में दिखे, कांग्रेस को सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी बताकर बड़ा हमला किया। हरियाणा की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस के धागे खोल दिए। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने किसान आंदोलन और एमएसपी को मुद्दा बनाया हुआ है। आज पीएम मोदी ने कहकर कांग्रेस को लपेट लिया कि भाई कांग्रेस हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन जहां इनकी सरकारें हैं जैसे कर्नाटक तेलंगाना वहां एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देती। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में तो बीजेपी सरकार 24 फसलों पर एमएसपी खरीद का फैसला कर चुकी है। पहले एमएसपी पर 14 फसलें खरीदी जाती थी जिसे बढ़ाकर 24 कर दिया गया और हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जहां 24 फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदी जा रही। तो कांग्रेस किस मुंह से कह रही है ये सवाल पूछ रहे हैं वो। एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी पूरी ताकत से हरियाणा चुनाव में उतर गए। केजरीवाल जितना जोर लगाएंगे उतना ही वो कांग्रेस के वोट काटेंगे, यानी कांग्रेस के सामने अब डबल चुनौती है। अरविंद केजरीवाल तो इमोशनल कार्ड खेलकर वोट मांग रहे हैं, वो हरियाणा की रैलियों में खुद को हरियाणा का बेटा बता रहे हैं, वहां के लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमको मौका दो। सुनिए एक बार केजरीवाल। इनको लगा केजरीवाल को तोड़ देंगे जेल के अंदर, इनको पता नहीं है ये हरियाणा का छोरा से यो नहीं टूटने वाला। केजरीवाल को कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ केजरीवाल,
ऊपर से राहुल गांधी का बवाल, जो उन्होंने आरक्षण पर बोल रखा है, जो उन्होंने सिखों को लेकर बोल रखा है, वो रायता ऐसा फैला है कि कांग्रेस समेटे नहीं समेट पा रही। यानी हरियाणा में तो गेम सेट होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस की मुसीबतें गुटबाजी से लेकर राहुल गांधी के बयान तक बढ़ा रहे हैं।